तो दोस्तों इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या तरीका कार है किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने के लिए। जो इनके पास पोलैंड मुझे नज़र आ रहा है, इटली और पोलैंड ना, तो इनसे पूछते हैं कि कौन सा कंट्री का ये लुक कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं कि पोलैंड के लिए और कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं यूरोप में, आप उनके लिए वर्क परमिट का काम कर रहे हैं? पोलैंड का कर रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ? पोलैंड, पुर्तगाल, माल्टा का कर रहे हैं और इसके अलावा हम कनाडा का भी कर रहे हैं विजिट वीज़ा। ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब हम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। और ये भाई हैं जिनका पोलैंड का वीज़ा जो है वो लग चुका है, पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प हो चुका है और ये जा रहे हैं पोलैंड। तो आज इनसे हम बात करेंगे कि इनकी स्टोरी क्या है और ये पहले क्या जॉब करते थे और अब किस काम में जा रहे हैं और सैलरी कितनी होती है वहाँ पे और इनका एक्सपीरियंस कैसा है करेंगे। ये भाई हैं, ये एक होटल में एज अ शेफ का काम करते थे भाई। जी जी सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सकीब भाई। अच्छा, मैं बांग्लादेश का हूँ। ठीक है। मैं इधर दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाम होटल में काम करता हूँ। ठीक है, शेफ पेस्ट्री में। ठीक है, तो आपको क्या पे देते थे यहाँ पे पहले? इधर मेरा बेसिक देगा तो 1000। सुन ले दोस्तों, 1000 इनकी सैलरी थी यहाँ पे ये काम करते थे। टोटल कितनी बनती थी? टोटल 1500। 13 साल से आप दुबई में काम कर रहे थे, तो माशाल्लाह 13 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे थे और अब पोलैंड जा रहे हैं। अभी पोलैंड जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, 15 तारीख पे जाएंगे। तो तकरीबन 6 महीने हो गए आपके इस प्रोसेस को जब आपने स्टार्ट किया? छः महीना हो गया। 4 to 6 month। ठीक है, 4 to 6 month का ये टाइम ड्यूरेशन होता है। तो आप जो भी प्रोसेस था इनका, उसकी पेमेंट वगैरह आपने कैसे दी? आपकी सैलरी इतनी कम है तो ये इंस्टॉलमेंट में आपने दी? एक्चुअली मैं जब इधर आया, मैं लोगों से बात किया, भैया मेरा सैलरी कम थी, मैं 1000 रुपये में इधर काम करता, अगर मैं इंटरेस्ट है जाने के लिए, अगर आप लोग थोड़ा मेरे पे हेल्प करेगा तो पेमेंट के बारे में आगे बढ़ सकता। मैं लोग ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, तुम एक फोर स्टेप में अमल कर पेमेंट। तो पहली बार मैंने लोगों को 2000 दिया। 2000 फर्स्ट टाइम दिया? फर्स्ट टाइम। रजिस्ट्रेशन के टाइम एग्रीमेंट जब आपने साइन किया, वो लोग के साथ एग्रीमेंट जब साइन किया था, वो लोग को मैं 2000 दिया। उसके बाद 2 to 3 month का इनसाइड अंदर ही मेरा वर्क परमिट आया। अच्छा, 2 month के अंदर या 4 month के? नहीं, 2 to 3 month। 3 months। अच्छा, 2 to 3 month। 3 months में आपका वर्क परमिट? वर्क परमिट आ गया। तो उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया गया वहाँ पे? नहीं, एक्चुअली मैं तो ऐसा बेसिक ही थी, इंग्लिश मेरा आता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे इन्होंने आपसे? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इधर आया, इन लोग ने मेरा से सिर्फ मेरा जो यूनिवर्सिटी का फोटो कापी लिया और मेरा पासपोर्ट कापी। तो इन्होंने आपसे पासपोर्ट कापी, वीज़ा पेज जो होता है आपका उसकी कापी, वीज़ा और यूनिवर्सिटी की कापी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। और आपने जो है एडवांस 2000 जो है एग्रीमेंट के लिए जमा कराया? ठीक है। उसके कितने दिनों के बाद आपने बताया? उसका 2 to 3 month के बाद मेरा वर्क परमिट आया। डायरेक्ट वर्क परमिट आया? डायरेक्ट वर्क परमिट आया। ठीक है, पोलैंड के लिए डायरेक्ट वर्क परमिट आपका? डायरेक्ट वर्क परमिट 3 महीने के अंदर आ गया। 3 महीने। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने? उसके बाद का जब वर्क परमिट आया, फिर उसके बाद ये लोगों को मैं 3000 पे किया। 3000 पे करने के बाद ये लोग ने मेरे को बोला तुम्हारा कुछ पेपर चाहिए तुम्हारा साइड से, जो बांग्लादेश से पुलिस क्लियरेंस ले। अच्छा, ठीक है, आपकी कंट्री से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। और मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी का NOC पेपर, ठीक है, सैलरी सर्टिफिकेट, ठीक है, वो मेरे को लेने के लिए बोला। और उसके बाद मैं लोगों को लेकर अप्रूव कर दी। ठीक है, उसके बाद आपके क्या प्रोसेस था उसके बाद? उसके बाद आपका जब मेरा पूरा एक डॉक्यूमेंट हो गया मेरा साइड के, लोग का साइड का, क्या किया एम्बेसी अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिया। सेंड किया, फिर वहाँ से अप्रूव कितने टाइम में हुआ? उधर 1.5 month के अंदर हो जाता। ठीक है, 1.5 month में वो आ गया। उसके बाद आपका वीज़ा उसके बाद मैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट लेके मैं एम्बेसी के लिए, ठीक है, पोलैंड एम्बेसी गए, अबू धाबी में जो पोलैंड एम्बेसी है वहाँ जाके फिर आपका पासपोर्ट भी वहाँ दे दिया आपने, जमा करा दिया। मेरे पासपोर्ट दे दिया, मेरा पूरा फाइल दे दिया जमा। फिर कितने दिनों में पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प हो के आया? उधर जब मैं जमा किया था, मेरा
20 to 25 days 25 दिन के अंदर ये लोग ने बोला तुम्हारा वीजा आ जाए। तो ये आप बनाने चलो तो आपको तकरीबन 6 महीना से ऊपर होगा। 6 महीने तकरीबन 6 महीना 4 से 6 महीना का टोटल प्रोसेस जो है टोटल प्रोसेस 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ के अंदर आपका ये प्रोसेस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत डिटेल में भाई ने बताया है जो जो उन्होंने स्टेप फॉलो किए हैं, क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो बेसिक 1000 है और 500 ऊपर मिला के 1500 बनती थी यहाँ पे। और अभी ये पोलैंड में जा रहे हैं, इंशाल्लाह कब फ्लाइट है आपकी? मैं जाएगा इस महीने का 15 तारीख को। इंशाल्लाह 15 तारीख को जाएंगे। आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं मुझे? यस यस, मुझे पासपोर्ट दिखाना है, वीज़ा कैसा आता है। हम भी आज देखते हैं कि पोलैंड का वीज़ा कैसा होता है। माशाल्लाह जी, ये इनका ये देख लेंगे, ये बांग्लादेश का पासपोर्ट है इनका और इस पर इनका वीज़ा लग चुका है पोलैंड का। जी ये पोलैंड का वीज़ा है, ये आप देख लें पोलैंड का वीज़ा है। इसको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम करके दिखा। ठीक है, तो माशाल्लाह आपका पोलैंड का वीज़ा भी लग गया। अच्छा, वहाँ पे आपको जो आपको एग्रीमेंट मिला है जॉब एग्रीमेंट, क्या काम आपको देना है, वो क्या काम कराओगे वहाँ जाके? आप फूड पैकिंग, फूड की पैकिंग होगी आप? पैकिंग। अच्छा, तो वो पे क्या दे रहे हैं, आपकी बेसिक पे क्या है या टोटल आपको क्या सैलरी दे रहे हो? यूरोस में दे रहे हैं? उनका अपना करेंसी उसमें दे रहे हैं। तो कितना दे रहे हैं आपका यहाँ? मेरा बेसिक है 3000। जो भी लोग आते हैं इस कंपनी में आके और वो जॉब इसके लिए अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो आप उनको क्या मशवरा दोगे, क्या एडवाइस दोगे यहाँ आके वो वीज़े के लिए अप्लाई करें? जिस तरह आपने प्रोसेस किया है, जिसकी सैलरी कम है और वो भी आके अप्लाई करें, तो वो क्या कितना उसको वेट करना चाहिए? नहीं, मैं अगर अगर किसी को मैं सजेशन करेगा तो इधर आप लोग देख रहे हैं इसका एक है नाम है लोगो है इसमें, ये जो कंपनी है कंपनी ज़बरदस्त है। तो इधर का जो बंदा लोग है वो भी अच्छा है, बहुत केयरफुल बंदा लोग है। इधर आप लोग कोई भी आने का है इधर आ सकता है, आपका वीज़ा मिलेगा 100%। ये लोग आपका वीज़ा का गारंटी लेंगे, आपका वीज़ा का। आप अपना कंट्री का जो लोग है उनको भी रिप्रेजेंट करके बात करो, जो बांग्लादेशी है उसको अपना लैंग्वेज में बांग्लादेशी जुबान में बताओ। ओके, अभी बांग्लादेश सबाई अनुरोध करब, अपनारा जो यूरोपे जावर को स्वप्न थे এখানে আসতে পারবেন। অশান স্কাই এটা অফিসে ওদের কারণ আছে, ওদের সার্ভিস অনেক ভালো। আপনারা যদি ইউরোপে যাওয়ার কোনো স্বপ্ন থাকে এখানে আসতে পারেন, 4 to 6 মান্থের ভিতরে আপনাদের কাজ হবে। ঠিক আছে, ভিসা 100% পাবেন, কোনো সমস্যা নেই, এটা পাওয়া যাবে। চল, থ্যাংক ইউ, বহুত শুকরিয়া, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেসে ওয়াহাব ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াহাব ভাই, সবসে পহলে তো আপনি ইয়ে বতায়েন কি ওশান স্কাই গ্রুপ মে আপ কিয়া করতে হ্যায়? बेसिकली ओशन स्काई ग्रुप में मैं मैनेजर हूँ, जनरल मैनेजर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो बेसिकली मेरा जो आपसे बेसिक सवाल है वो यही है, कोई भी आपके पास आता है और वो आपको अप्रोच करता है वर्क परमिट के लिहाज से यूरोप किसी भी कंट्री के लिए यूरोप के, तो बेसिक उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? आप उससे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे? और एक ब्लू कॉलर जॉब के लिए, ज़्यादातर जो यूरोप लोग जा रहे हैं इनके लिए ब्लू कॉलर जॉब में, तो उनको कितना पे करना होता है? और उसको आप डायरेक्ट लेते हैं पेमेंट या इंस्टॉलमेंट में लेते हैं? क्योंकि अगर एक आदमी जा रहा है वो यहाँ पे एज अ बाइक राइडर जॉब करता है या वो किसी कंपनी में लेबर है या पैकिंग का काम करता है या वो मेसन है, क्लीनर है, अगर वो अप्लाई करता है उसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, और उससे आप किस तरह से जो है चार्जेस आपके लिए जाएंगे और कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा आपका? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब बंदा हमारे पास आता है, उसने अगर यूरोप जाना है, स्पेशली हम लोग यूरोप में काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो है पोलैंड का। पोलैंड का स्पेशली, क्योंकि यूरोप में जो पोलैंड कंट्री जो है ना वो शेंगेन कंट्री स्पेशली। बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि जब यूरोप में लोग जाना चाहते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं उसमें स्पेशली हम लोग पोलैंड से ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोगों को, क्योंकि पोलैंड में जो बेसिकली लेबर कैटेगरीज है ना, यहाँ पे जो हमारे मजदूर हैं जितने भी हैं काम करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह जो है वो पोलैंड है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने माल्टा जाना है, कोई बोलते हैं हमने वहाँ जाना है, उनको ये नहीं पता है कि भाई वहाँ जाके उनके साथ क्या होना है, उनको ये पता है कि भाई वो यूरोप कंट्री है, वो यूरोप कंट्री में जा रहे हैं। हर यूरोप कंट्री के अंदर उनको चीज़ मिलेगी, लेकिन एक वक्त से मिलेगी।
अगर कोई बंदा यहाँ आ रहा है तो उनको सजेशन दिया जाता है कि भाई इधर जाओ, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ पे लेबर की सैलरी कितनी होगी, कम से कम 1200 800 1000 1200, किसी की 500 भी है, 500 के साथ रूम भी दिया हुआ है, ऐसा है। और ये जॉब सिर्फ लेबर कैटेगरीज के लिए है, क्यों? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, वहाँ पे उनकी भी डिमांड ज़्यादा है। कोरोना के बाद से तो आपको पता ही है काफ़ी जगह पे वैकेंसीज हैं अभी। अच्छा, तो आप जो है ये उनकी वैकेंसीज होगी वहाँ पे, तो इसमें स्किल वर्कर ही चाहिए या कोई भी जा सकता है, अप्लाई कर सकता है? स्किल वर्कर्स देखें, अगर वो बेसिकली नॉर्मल काम करता है लेबर कैटेगरी में, यहाँ पे नॉर्मल फाइलिंग काम करता है, कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कैटेगरी क्या होती है कि वो पैकिंग में जाते हैं, मतलब बॉक्स पैकिंग में, या तो वो फूड पैकिंग हो सकती है, तो चिकन पैकिंग हो सकती है, या कोई भी। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्शन लाइन्स के। अच्छा, और आईटी स्पेशलिस्ट। ये जो बाइक राइडर्स के बारे में बात सुनी है मैंने, इनके लिए है जिनके पास यहाँ का लाइसेंस है बाइक का, तो वो अप्लाई करें तो वहाँ जाके वो उनको डायरेक्ट यहाँ से बाइक राइडिंग की जॉब नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, वो तो नहीं मिलेगी, वहाँ जाके। लेकिन यहाँ का लाइसेंस अगर उनके पास है तो वहाँ पे उनको ये बेनिफिट मिल जाएंगे कि जब वो वहाँ पे उनका कार्ड बनेगा, TRC कार्ड बनता है 3 साल का, जब वो बनेगा तो जब भी वो किसी जगह पे कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो आराम से कन्वर्ट होकर वो जॉब मिल जाएगी उनको ड्राइविंग के लिए। क्योंकि अगर मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज में आप देखेंगे एज अ बाइक राइडर लोग कहीं पे भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल, तो वो सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह पर कहीं पे भी आप बाइक राइडर का काम कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासी इनकम गेन कर सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे बाइक राइडिंग का काम करते हैं, अगर वो वहाँ जाके बाइक राइडिंग की जॉब करते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पे कोई भी है तो ये आप ये जो बता रहे हैं ये वर्क परमिट जो बेसिकली है ये ब्लू कॉलर्स के लिए। अच्छा, तो लेबर्स के लिए, तो इनको कितनी पे वहाँ पे मिलेगी, जो यहाँ के हिसाब से कितनी पे होगी अंदाज़? डिपेंड करता है क्योंकि अलग अलग प्रोफेशंस के सैलरी पैकेज अलग हैं। वहाँ पे जो मिले मिनिमम जो है आपको हिसाब लगा लें तकरीबन 7500 यूरो से लेके मैक्सिमम अगर आप कहेंगे तो 1200 या 1100 यूरो तक की सैलरी पैकेज है। लेकिन यूरोज में नहीं मिलेगी, मिलेगी ज़्लॉटी में, पोलैंड की करेंसी जो है, यानी कि उधर की लोकल करेंसी जो है उसके हिसाब से मिलेंगे, लेकिन जो मिलेंगे वो यूरो में 750 से लेके 1100 से लेके तक मिलेंगे। तो दोस्तों सुन रहे हैं आप, 750 से लेके और 750 यूरो से लेके 1200 यूरो तक, तकरीबन 1200 यूरो तक आपको स्टार्टिंग पे मिल सकती है यूरोप में अगर आप अप्लाई करते हैं यूरोप के लिए। तो बेसिक तरीका है, जो भी इनका सिस्टम है वो ये आपको बता रहे हैं बिल्कुल क्लियरली। आप देखें मेरा इंटरव्यू हो रहा है इनके साथ, अब्दुल वहाब सर हैं ये और मैनेजर पोस्ट पे हैं ये, ओशन स्काई ग्रुप है जिसके अंदर ये काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियरली आप देखें, आप जो भी सुनने वाले हैं, जो भी समझने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं, तो जिस तरह ये बता रहे हैं सेम वही स्टेप होता है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो एक्सपीरियंस वाला है यहाँ पे कोई अच्छे प्रोफेशन में जॉब कर रहा है, जैसे कि हम हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो अप्लाई करते हैं, क्या वो इसी ब्लू कॉलर जॉब पे जाके आगे कुछ अपने लिए अच्छा ढूंढें या कि उनको कोई और? जो स्किल वर्कर्स जो है ना लेबर्स के अंदर स्पेशली कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या है, वेल्डर, ठीक है, 3G 4G इतने जो वेल्डर में आते हैं इनके, उनकी डिमांड ज़्यादा है। उनके सैलरी पैकेज अगर मैं ज़्लॉटी में बात करूँ तो वो भी आती है अराउंड 4200 ज़्लॉटी, इट मींस 1000 यूरो इज़ अ पैकेज। ज़बरदस्त। इवन के इनका जो वर्क परमिट आते हैं उनमें सैलरी पैकेज भी मेंशन होता है, बेसिक अलग होती है, कमीशन अलग, जो ओवर टाइम होता है वो अलग होता है। इनमें इनका मेडिकल, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, फूड नहीं, फूड इनका अपना होगा, वन टाइम फूड अलाउंस होगी जब वो काम पे होंगे, ठीक है, मतलब 3 टाइम खाना होता है दिन का, ठीक है, तो दोपहर का खाना, दो टाइम का खाना ये खुद करेंगे, 8 टाइम का खाना आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, लंच टाइम जैसे कि लंच टाइम आप कह सकते हो। और यूरोप में अगर जा रहे हैं तो वहाँ ठंड भी होती है, ठीक है, ठंड के हिसाब से भी जाता है, माइनस में जाता है, तो जीरो में भी आता है, उनको रिहाइश वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो अंदाजन 4 to 6 मंथ के अंदर आपका ये सारा प्रोसेस हो जाता है, वीज़ा आ जाता है। इसमें रिजेक्ट होने के चांसेस कितने होते हैं लोगों के, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? रिजेक्ट होने के चांसेस जो है ना, अगर 0% वैसे तो ठीक है, 99.99% वीज़ा मिलता है। 0.1% जो है ना उसमें क्यों होता है, सिक्योरिटी रीजंस,
ठीक है, अभी मुझे सिर्फ एक चीज़ बताएं, एक आम आदमी है जैसे जो भी अभी सुन रहा है हमारी, जो भी वीडियो देख रहा है, कि उसके आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए? जो मेन चीज़ चाहिए ना वो सबसे पहले तो मेन है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट ओरिजिनल नहीं, सिर्फ कॉपी चलेंगे, कलर्ड कॉपी। पूरा पासपोर्ट की आपको नहीं, स्केल को ओनली सिर्फ मेन पासपोर्ट, फुल पासपोर्ट यूज़ नहीं होता। ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज के लिए यूज़ होता है। माल्टा के लिए, माल्टा के लिए फुल पासपोर्ट चाहिए, विद आउटसाइड नंबर पेज जो होता है उनके साथ चाहिए। लेकिन पोलैंड के लिए स्पेशली सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, अगर यूई के रेजिडेंस हैं तो वीज़ा पेज चाहिए। ठीक है, आजकल तो वैसे भी रूल बन गया कि वीज़ा पेज भी नहीं आ रहा नए लोगों का, आईडी पे आ रहा है, आईडी पे आ रहा है। लेकिन यूई के अंदर ये लॉ में सिर्फ शारजा एंड अबू धाबी के लिए, दुबई में अभी भी वीज़ा स्टैम्पिंग हो रही है। अच्छा, कल ही मैंने स्टैम्पिंग करवाई है तो उसके अंदर भी स्टैम्पिंग करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? पुलिस के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट, होम कंट्री पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिस भी कंट्री से वो हो। एग्जैक्टली, ठीक है, यूएई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर यहाँ से अप्लाई कर रहा है तो, अगर यहाँ से अप्लाई कर रहा है तो, यहाँ अगर यूएई रेजिडेंस में है तो होम कंट्री पुलिस क्लियरेंस एंड यूएई पुलिस क्लियरेंस। नहीं, अगर मैं जैसे कि अब मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, काफ़ी अर्से से यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं अप्लाई करता हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान का भी चाहिए होगा और यहाँ का भी चाहिए होगा। अगर आप 2 ईयर्स से ज़्यादा के यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आपने ट्रैवल अप्लाई बीच में नहीं किया तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ की रिक्वायरमेंट होगी आपके यहाँ। ठीक है, अगर आप रिसेंटली पाकिस्तान गए 2 साल के अंदर अंदर तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आप अगर यहाँ पे 1 साल के अंदर या उसके बाद भी आप अगर 2 साल तक रेगुलर यहाँ पे रहते हो तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप साल के अंदर पाकिस्तान जाके या किसी भी कंट्री से हो और आप जाके वापस आए हो तो आपको उस कंट्री का भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ का भी, ये दोनों मस्त है। बस ये चाहिए, बस आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी एमिट्स आई डी की डिटेल चाहिए, और अगर यहाँ पे जो है उनके सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो पे स्लिप्स विद स्टैम्प चाहिए लाजमी। ठीक है, अगर जिस भाई का भी, जो भी भाई आना चाहता है या सोच रहा है, और उसको बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको सैलरी कैश देती है तो अकाउंट्स में नहीं आती, तो उसके लिए क्या है कि वो आपको स्लिप वगैरह देती है, पे स्लिप कि आपकी ये इतनी बनती है, आप साइन करो और ये अपनी पे ले लो कैश, तो इस तरह की कंपनीज भी होती हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपकी जो पे स्लिप होती है, जो भी आपको सैलरी मिली है, जिस मंथ की मिली है, जितनी मिली है, वो स्लिप्स आपने जो है फोटोकॉपी करवा के अपनी कंपनी से वो ले लेनी है और वो भी साथ में देनी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रूफ होता है कि जब आप अप्लाई करते हो किसी भी कंट्री के लिए, यूरोप के लिए या कहीं पर भी, तो उनको पता होता है कि ये आदमी यहाँ पर या ये इंसान यहाँ पर आके सर्वाइव कर सकता है, इसके पास इतना पैसा है, ये सारी चीज़ें सबूत होती हैं। ये बैंक स्टेटमेंट भी इसी वजह से देखा जाता है कि इस आदमी को या उस औरत को या कोई भी फर्द है जो उस कंट्री जा रहा है तो क्या ये इस काबिल है, ये इतना अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे खाना पीना रिहाइश ये सब कुछ, क्योंकि जब तक आप जॉब पे लगते नहीं है तब तक तो आपको अपने जेब से खर्च करना होता है। जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है उसके 1 महीने बाद आपको पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपको देते हैं। ऐसा होता है आपका एम्प्लॉयर डायरेक्ट किसी को कुछ देता है एडवांस, जो लोग वहाँ पे जाते हैं कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता है आपको, यहाँ से बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगते हैं ताकि आपको पता हो कि भी आप अपने साथ कम से कम थोड़े पैसे लेके जा रहे हो, 1 महीना सफर करने के लिए आपकी सैलरी नहीं आती, सर्वाइव कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। जब सैलरी ऑलरेडी आ जाएगी तो बंदा ऑलरेडी सर्वाइव करता होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको लेके जाना लाजमी है। बिल्कुल, तो ये वो नई जगह पे जा रहे हैं उसको कुछ भी पता नहीं वहाँ पे कि क्या होने, बिल्कुल बेसिक थिंग्स है ये। और दोस्तों ये बेसिक रीजंस हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताए गए, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी चीज़ है, कोई भी बात पूछनी है आपको, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो इंशाल्लाह वहाब भाई का भी मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। बाकी कंपनी का नाम आपके सामने है और आपको इंटरव्यू भी करा दिया मैंने, जिस भाई का जो है आपने वीज़ा देखा, उनका वीज़ा हो गया, उनकी जॉब जो है वो हो गई, और इस 15 तारीख को वो जा रहे हैं, 15th of May ट्रैवल डाउन, तो इस 15 तारीख को वो जा रहे हैं पोलैंड के लिए और वो ट्रैवल कर रहे हैं, और माशाल्लाह देख लें आप। तो जो लोग आते हैं यहाँ पे तो एक दफ़ा आके इनसे इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। देखें, किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले आप उसकी पूरी जो है ना मालूमात लें, इन्फॉर्मेशन लें और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, उस पर बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड बात है वो यही है कि ये प्रोसेस किस तरह होता है और जॉब कौन सी मिलती है। अगर आपको कोई स्किल आता है, आप किसी स्किल, कोई भी हुनर है आपके हाथ में, अच्छा सा स्किल है आपके पास, तो आपको वो जॉब मिल सकती है। इसके अलावा ब्लू कॉलर जो भी जॉब्स हैं वहाँ पे, लेबर कास्ट में जॉब्स आती हैं, वो जॉब मिलती हैं, लेकिन उसमें पे अच्छी मिल जाती है, यूरो में देते हैं,
750 से लेके 1200 तक यूरो आती है सैलरी, तो ये सारे रीजंस हैं और ये सारी बातें। अच्छा बाप भाई, ये क्या है? ये बेसिकली डिमांड लेटर है। अच्छा, ऑथोराइजेशन हमारी। ठीक है, कि जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलते आप किसी के भी काम नहीं करवा सकते। ये हमारी ऑथोराइजेशन है। इनमें प्रोफेशनल 200 मेल्स लिखे हुए हैं हम लोगों को, यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं ना, इसमें लिखा हुआ है कि अपने हमें कितने लोगों की डिमांड है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं। ये आपने पोलैंड को दिया या पोलैंड की तरफ से आपको आया? पोलैंड की तरफ से हमें है, विद अटेस्टेशन कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं उस कंपनी के लिए। अच्छा ठीक है, तो ये उनको 200 मेल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। 200 मेल्स रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी? वेल्डर के लिए, मिग एंड मैक के लिए। ठीक है, 200 मेल्स फॉर वेल्डर टिंग, 500 मेल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, 500 मेल फॉर ब्रिकलेयर्स, 500 मेल फॉर स्टील फिक्सर, ठीक है, 500 मेल फॉर कारपेंटर, एंड दिस इज फॉर 200 मेल फॉर ट्रक ड्राइवर्स, ओके, 50 मेल्स फॉर फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर्स, एंड 500 मेल एंड फीमेल फॉर मीट प्रोसेसिंग वर्कर, मतलब ये जो कसाई होते हैं, गोश वोश कटिंग के लिए करते हैं, ठीक है, 500 मेल एंड फीमेल फॉर प्रोडक्शन वर्कर, ठीक है, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की प्रोडक्शन वर्कर कर सकते हैं वो लोग, 500 मेल वेयरहाउस वर्कर्स, और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेशली आईटी के लिए, जो आईटी में काम करते हैं, 100 मेल एंड फीमेल्स फॉर आईटी स्पेशलिस्ट, एंड 100 मेल एंड फीमेल फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल, कि हमारा वर्क परमिट एक बंदे का जिसका है प्रोग्रामिस्ट एप्लीकेटी, मतलब के कंप्यूटर प्रोग्रामर, और इसका सैलरी पैकेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है 4216 zloty। अच्छा, तो ये कितनी बनती है यहाँ के हिसाब से? यहाँ के हिसाब से अगर यूरो में करें तो यूरो में ये वहाँ की zloty और यहाँ के dirhams में कुछ फर्क नहीं है। अच्छा, वो एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है। तो यहाँ पे हिसाब में कम से कम यहाँ के हिसाब से 4200 या 4150 dirham बनती है। अच्छा ठीक है, यूरोस में करें तो यूरोस में अराउंड 1100 यूरो से 1000 यूरो तक बनती है हमसे। सही, तो जबरदस्त, फिर तो अच्छा है ये। और ये विद अटेस्टेशन है हमारी सारी, ये पोलैंड से अटेस्टेशन के साथ है, ठीक है, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पोलैंड एम्बेसी, यूएई, अबू धाबी काउंसलर, विद स्टैम्प्स एंड विद द टीआर नंबर्स। टीआर नंबर कहाँ है? जबरदस्त, चले माशाल्लाह। तो दोस्तों, आपने देखा ये सारी चीज़ें हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उनके पास वो उन्होंने दिखा दी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ताकि सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इस उम्मीद के साथ, अपना सभी ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।